हाय गाइस, आप देख रहे हैं बूगल बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ जीनिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं अ सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर मिस्टर राज कुंद्रा। राज कुंद्रा, वेलकम है आपका बूगल बॉलीवुड पे। थैंक यू वेरी मच। तो आज आप यहां पे मौजूद हैं अपनी स्पेशली गेम लॉन्च के लिए, तो बताएंगे हमें इस गेम के बारे में। जी, इस गेम का नाम है गेम ऑफ डॉट। बड़ा सिंपल गेम है। एक फोटो दिखाई जाती है आपको, एक क्रिकेटिंग शॉट जहाँ पे एक क्रिकेटर एक बैट लेके बॉल मारने जा रहा है, बट बॉल को निकाला जा रहा है वहाँ से। वी टेक द बॉल आउट और आपको एक डॉट डॉट का पैकेज खरीद के एक डॉट लगाना होता है कि आपके अंदाजे से बॉल कहाँ पे है। एवरी डे एक प्रोफेशनल क्रिकेटर या प्रोफेशनल एम्पायर आके इसको जज करता है और हुएवर इज द क्लोजेस्ट टू द डॉट जहाँ पे जज ने डिसाइड किया है, ही गेट्स अ प्राइज मनी पेड आउट टू हिम। देन व्हाई ओनली क्रिकेट? नहीं, सो वी कैन ऐड दिस टू मेनी गेम्स। इट्स कॉल्ड स्पॉट द बॉल टेक्निकली। तो स्पॉट द बॉल मीन्स यू कैन ऐड एनी गेम जहाँ पे बॉल है। इट कुड बी हॉकी, इट कुड बी फुटबॉल, बट व्हाई चूज क्रिकेट? इंडिया इज अ नेशन दैट लव्स क्रिकेट। तो क्रिकेट नहीं करेंगे पहले तो फिर ना इंसाफी है इस देश के लिए। मतलब हम फ्यूचर में आइडिया लगा सकते हैं कि आप फुटबॉल, टेनिस वगैरह? या जो जो भी सीजनल स्पोर्ट्स होंगे उस टाइम पे जो इन डिमांड होंगे, वी कैन क्रिएट मेनी गेम्स। सो इट्स नॉट, हमारे साइट पे ऑलरेडी टू गेम्स आ रहे हैं, एक मंथली जैकपॉट और एक डेली प्राइज। डेली प्राइज गोज अप टू 50,000 अ डे एंड जैकपॉट एट द मोमेंट इज 2 लाख, बट आगे जाके द प्लान इज टू मेक इट अ 1 करोड़ जैकपॉट। मतलब आप बेसिकली लालच दे रहे हैं लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा गेम खेले लो। खेलना चाहिए, बिकॉज द चांस ऑफ विनिंग यूजिंग योर स्किल ऑन आवर गेम इज फार बेटर देन एनी स्पोर्ट और एनी अदर गेम ऑफ स्किल इन द कंट्री। एंड आई थिंक इट्स द सिंपलेस्ट गेम ऑफ स्किल टू प्ले। आजकल ये गेम्स ऑफ स्किल्स के इतने सारे रूल्स हैं इस देश में दैट इट बिकम सो हार्ड टू प्ले फॉर अ कॉमन मैन। ये गेम सिर्फ 20 रुपये का है पहले बातों, और दूसरा इट्स सो सिंपल टू प्ले दैट एनीवन कैन प्ले इट। जैसे आपने इसे पेड रखा है कि रजिस्ट्रेशन 20 रुपीज़ है, तो बच्चे कैसे खेलेंगे? बच्चे नहीं खेल सकते, ये खेलेंगे तो अपने फादर या मदर के अकाउंट के थ्रू खेलेंगे, बट हम लोग पे आउट करेंगे सिर्फ 18+ एडल्ट्स के लिए। तो जैकपॉट मतलब किस बेस पे आप डिसाइड करें? सेम, एक हम लोग नहीं डिसाइड करते, एक प्रोफेशनल एम्पायर जा जाता है, वो सेम पिक्चर को देखता है और वो डिसाइड करता है कि एक्चुअली बॉल कहाँ होना चाहिए एज पर हिज प्रोफेशनल नॉलेज, और जो भी उस बॉल के करीब जिसने प्रेडिक्ट किया है ही विंस द प्राइज मनी। अच्छा, अगर हम बात करें आपकी, तो बेसिकली आपका फेवरेट गेम कौन सा है अगर क्रिकेट को छोड़ दिया जाए? स्पोर्ट्स में आई एंजॉय फुटबॉल। हमारा एक ऑल स्टार्स फुटबॉल टीम है जहाँ पे सब सेलिब्रिटीज एवरी संडे मिलके फुटबॉल खेलते हैं, सो आई एंजॉय फुटबॉल एज अ स्पोर्ट। आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्पोर्ट। एंड उसके बाद क्रिकेट तो है ही, एंड देन कीपिंग फिट, योगा विद शिल्पा। मतलब फ्री टाइम में शिल्पा मैम आपसे भी योगा करवाती है? योगा कराती है। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। एक तो शी टेक्स केयर द होल हाउस का, खाना पीना, हेल्थ क्या होना चाहिए, क्या डाइट होना चाहिए, एंड देन योगा कम्स नेचुरली। तो वो कहती नहीं कि गेम खेलोगे तो आइज खराब हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये गेम सिर्फ 20 सेकंड चाहिए खेलने के लिए, तो 20 सेकंड में आइज नहीं खराब होंगे। फिर भी अगर मान लो किसी को एडिक्शन हो जाए, जैसे लाइक पबजी गेम है, हमने लिमिट कर रखा है, मैक्सिमम 100 प्लेयर्स, 100 डॉट्स आप लगा सकते हो पर डे पर गेम। जैसे हम बात करें गेम्स की, तो गेम्स आजकल पबजी तो आपको पता ही है कि लोग पागल क्रेजी हुए पड़े हैं उसके लिए। मुझे भी, मैंने भी नहीं खेली आज तक, बट पागल हुए पड़े हैं। तो आपको क्या लगता है, थ्रेट हो सकती है? नहीं नहीं, हमारे लिए कभी कोई थ्रेट नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि सारे ये पूरी गेम इंडस्ट्री साथ में प्रॉस्पर हो, और इट्स अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री इन इंडिया, और लोगों की कमी नहीं है और गेम्स की कमी है, सो आई एम श्योर दैट सब साथ में जियेंगे। मतलब आप और व्यान साथ में खेलते होंगे और शिल्पा मैम वो अलग? सी, हमको तो अलाउड नहीं खेलना, बिकॉज वी ओन द गेम एंड रूल्स है हमारे, कोई भी एम्प्लॉइज नहीं खेल सकते, बट प्रैक्टिस गेम है, और प्रैक्टिस गेम आई लाइक टू प्ले वंस इन अ वाइल टू सी मेरा प्रेडिक्शन कैसा है कैसा नहीं है। तो एम्प्लॉइज को आप वो नहीं देना चाहते जैकपॉट? आई थिंक स्टैंडर्ड रूल्स है एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो भी गेमिंग कंपनी है वो इन हाउस नहीं खेलने देती, क्योंकि कल को ये भी हो सकता है कि कुछ इंटरनल सीक्रेट्स रिलीज हो या कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन हो, सो इट्स अ स्टैंडर्ड रूल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड दैट यू कैन नॉट प्ले द गेम इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द कंपनी। गेम का आइडिया आपको कहाँ से मिला? ये एक 50 साल पुराना गेम है, स्पॉट द बॉल, और ये गेम लॉन्च हुआ था यूके में लाइक आई सेड अबाउट 50 इयर्स अगो, और वहाँ पे आई यूज टू सी आंटीज, अंकल्स, फैमिली प्लेइंग दिस गेम। पहले मैनुअल होता था, एक फोटो दिए जाती थी आपको और उस फोटो पे आपको डॉट लगाना होता था, बट नाउ वी हैव डिजिटाइज द गेम। अगर बात करें हम गेम से हटके आपकी, ठीक है, तो जैसे आप इतनी जल्दी इतनी सक्सेस आपको कैसे मिली, क्या राज है? वाइट बाल कुछ जल्दी नहीं है, आई एम 43, स्टिल लॉट्स टू डू। हम लोग तो क्या कर सकते हैं, एक फाउंडेशन बना सकते हैं, इट्स कन गो टू वियान आगे जाके, सो ऑल आई एम डूइंग इज ट्राइंग टू क्रिएट अ फाउंडेशन फॉर हिम। आई लाइक वर्किंग, आई एंजॉय वर्किंग, तो हमारे इंडियन कल्चर में रिटायर की वर्ड ही नहीं है, तो हम लोग नहीं रिटायर हो सकते, बट फॉर मी इट्स अबाउट वर्क एंड फैमिली। जैसे आप जब यहाँ से शिफ्ट हुए थे लंदन, तो आप इतने मतलब सक्सेसफुल नहीं थे, आपने ये एम्पायर खुद बिल्ट अप किया है, तो उसके पीछे यूथ भी जानना चाहेगा कि आपने ऐसा कैसे कर लिया? पहली बात तो मैं यहाँ से शिफ्ट नहीं हुआ, मेरा जन्म यूके से ही है, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द यूके। फादर यहाँ से शिफ्ट हुए थे। व्हेन माय फादर शिफ्टेड टू यूके, ही वाज अ बस कंडक्टर,
So from a bus conductor to opening up his retail stores and climbing the ladder, he's a self-made man, and that inspired us. So I've never taken a single penny from my father. But wahi inspiration tha ki agar wo self-made kar sakte hain, to main bhi self-made banunga. But he was always there for advice. He kept us rooted, kept us cultured and grounded, and we use that. Aur apne aap destiny saath degi, thodi mehnat saath degi, and we became who we are today. Aur aapke future ke plans kya hai further projects? Future projects, we have more real money gaming products coming out, animation we're focusing on. We're looking at web series and production. But I think media related, we're going to be in this space for quite some time. Aur ek personal question. Ki, like, Shilpa ma'am is your wife, so basically, ghar pe kiski chalti? Jis ghar mein aurat ki nahi chalti, to wo jhoot bol raha hai. Matlab, chahe wo normal man ho ya business man, chalegi biwi ki? Chalti biwi ki. Home office ka head wahi hoti hai hamesha. और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को? नो, जस्ट स्टे हेल्थी, स्टे फिट. न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाओ दैट हेल्थ इज वेल्थ. और गेम नहीं खेलना? गेम बीच में खेलते रहो. और योगा भी करो साथ में. और योगा भी करो.